नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। राजधानी दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर रॉबर्ट वाड्रा ने आप और बीजेपी को घेरा, बोले जहरीली हवा जाति धर्म नहीं देखती। 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठने प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर करेंगे मार्च, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। तेलंगाना सरकार ने राज्य में खरीद और रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों के रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर 100% छूट देने का की घोषणा। 31 दिसंबर 2026 तक की शुरुआती अवधि के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर पूरी तरह छूट का किया ऐलान। दिल्ली आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत, रविवार को दिया था इस्तीफा। आतिशी सरकार में परिवहन मंत्री के पद पर थे कार्यरत। नहीं थम रही मणिपुर की हिंसा, जिरीबाम के बीजेपी कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़, सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक की मौत। बिहार में कोहरे के कारण 17 ट्रेनें, 6 फ्लाइट हुई लेट। एमपी में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई, लद्दाख और कश्मीर में बर्फबारी जारी। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 77,339 पर बंद, तो वहीं निफ्टी भी 78 अंक की गिरावट रही। आईटी और बैंकिंग शेयर फिसले। आज सोने चांदी के दाम में तेजी रही, सोना 866 रुपये बढ़कर 74,605 पर पहुंचा, तो वहीं चांदी 1,844 महंगी होकर 89,645 रुपये प्रति किलो बिकी। ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में 2 साल के अंदर राज्य में गरीबों की संख्या बढ़ने पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल विधानसभा में पेश आंकड़ों के हिसाब से राज्य में 2 साल के भीतर 75 लाख लोग बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। वहीं कांग्रेस के दावों के अनुसार राज्य की करीब 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीपीएल श्रेणी के लोगों की बढ़ती संख्या पर सीबीआई जांच की मांग की है, तो दूसरी ओर भाजपा इसे अपनी उपलब्धि मानकर चल रही है। वह न केवल सीबीआई जांच को तैयार है, बल्कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को चिन्हित होने के बाद कांग्रेस पर ही सवाल खड़े कर रही है। भाजपा का कहना है कि बीपीएल श्रेणी के लोगों को सरकार की ओर से कई तरह के लाभ मिलते हैं। प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, हर महीने 40 रुपये में 2 लीटर सरसों का तेल और 13.5 रुपये में 1 किलो चीनी देने का बीपीएल श्रेणी के लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र में बीपीएल श्रेणी के लोगों को 2 दर्जन से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिलता है। बताते चले कि इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में दावा किया कि राज्य में सिर्फ 4% बेरोजगारी है, जो कि सामान्य से भी कम है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दरअसल आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज हुई किसानों की मीटिंग में फिर से दिल्ली जाने का फैसला लिया गया है। बैठक में किसान नेता शरवण सिंह पंडेर ने कहा कि शंभू बॉर्डर से ही दिल्ली रवाना होंगे। वहीं पंडेर का कहना है कि 9 महीने से किसान चुप बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से हमें अनदेखा किया जा रहा है, इसी कारण दिल्ली जाने का फैसला लिया गया है। किसान इस बार अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन समूह में जरूर जाएंगे। पंडेर ने सरकार से मांग की है कि उन्हें प्रदर्शन के लिए जगह मुहैया कराई जाए, जहां किसानों ने जंतर मंतर व रामलीला मैदान में जगह मांगी है कि किसान के पास 6 दिसंबर तक का समय है। अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती तो किसान पीछे नहीं हटेंगे, जत्थों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। केंद्र सरकार ने हरियाणा को एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा पास किए गए संगठित अपराध और शव निपटान के विधेयकों को केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है, दोनों ही पर आपत्ति लगाकर वापस भेज दिया गया है। आपको बता दें हरियाणा सरकार सोमवार को विधानसभा में दोनों बिलों को निरस्त करने का प्रस्ताव रखेगी। दरअसल हरियाणा सरकार आपत्तियों को दूर कर नए सिरे से इनका ड्राफ्ट तैयार करेगी। दोनों विधेयक मार्च 2023 में हुए विधानसभा के सत्र में पारित किए गए थे और इनको राज्यपाल की मंजूरी के बाद केंद्र में भेजा गया था। वहीं इसमें हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक में राज्य में होने वाले संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के कड़े प्रावधान
किए गए थे। हालांकि कांग्रेस इस कानून के विरोध में थी। बताते चले कि दूसरा कानून हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल 2024 है, जिसमें किसी भी शव के साथ प्रदर्शन, धरना या रोड जाम नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो 6 महीने से 5 साल तक की कैद व 1,00,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया था। दोनों विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी और इनमें संशोधन की मांग भी की थी। हरियाणा में घना कोहरे के बीच हिसार और कैथल में 13 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इनमें हरियाणा रोडवेज की एसी बस भी शामिल है। हिसार में गाड़ियां भिड़ने की वजह से बस कारों में सवार लोग बाल बाल बचे। वहीं कैथल में टक्कर के बाद कार में आग लग गई। इनमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हालात बिगड़ते देख हरियाणा के 5 जिलों के प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया है। इन जिलों में रोहतक, सोनीपत, नूह, झज्जर और पानीपत शामिल है। वहीं उकलाना क्षेत्र में सुबह के समय गहरी धुंध के चलते हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर गांव में 5 वाहन आपस में भिड़ गए। गनीमत रही कि सभी वाहनों की स्पीड कम होने के कारण किसी प्रकार की हताहत नहीं होने की खबर है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से लगातार धुंध छा रही है, लेकिन सोमवार सुबह बहुत ही ज़्यादा गहरी धुंध दिखी, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गहरी धुंध में सड़क हादसों का भय बना रहता है और लोग कम सफ़र करते हैं। किसानों का कहना है कि धुंध के कारण उनके खेतों में गेहूँ की बिजाई रुकी हुई है। धुंध के कारण उन्होंने जो जमीनों में गेहूं की बिजाई के लिए पानी लगाया हुआ है, वह जमीन तैयार होने में देरी कर रही है। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों परिवारवाद का बवाल मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को जहां बापू बेटा कहकर भाजपा इनेलो व जजपा उन पर हमला कर रहे हैं, वहीं हुड्डा ने लंबे समय बाद चुप्पी तोड़ते हुए कई नेताओं को आईना दिखाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल के परिवारवाद को गिनाते हुए भाजपा में भी ऐसे नेताओं को जवाब दिया है जिनके बच्चे अब आगे राजनीति में सक्रिय हैं। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान भी और कांग्रेस की हार के बाद भी हुड्डा को बापू बेटा कहकर भाजपा ने सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। हुड्डा के कभी अपने रहे लोगों ने भी उन्हें बापू बेटा कहकर खूब हमले किए और राजनीतिक निशाने साधने वालों में भाजपा की राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई भी शामिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस को बापू और बेटा की पार्टी बताते हुए हमले करने का सिलसिला जारी रखा है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।